स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सिंध के वीर सपूत रूपलो कोहली के जीवन को स्कूली और महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय हो सके जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इतिहास के अमर शहीदों में प्रमुख रूपों ने अंग्रेजी साम्राज्य के समक्ष कभी घुटने नहीं टेके और 8,000 वीर सिपाहियों के साथ सिंध की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित महाराजा दारसेन स्मारक पर मंगलवार को आयोजित रूपलो कोहली के शहीद दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता शिक्षाविद प्रोफेसर मनोज बैरवाल ने उक्त उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि रूपलो कोहली एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे तथा राष्ट्रभक्ति के प्रेरणा सूत्र बनकर पूरे सिंध प्रांत में आज़ादी की अलग जगह जगाई थी। सन 1843 से 16 वर्षों तक लगातार अपनी पारंपरिक युद्ध कौशलता के साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ते रहे। उनका संपूर्ण जीवन एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया गया। इस तरह की संगोष्ठी और पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऐसे इतिहास पुरुष को वर्तमान में याद किया जाना चाहिए। समारोह में शिक्षाविद मधु मोहन रंगा एवं डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि रूपलो कोहली ने अंग्रेजों के आधिपत्य को खत्म करने हेतु जीवन भर संघर्ष किया। उनका जीवन देशभक्ति और वीरता से ओतप्रोत रहा, जिनकी अगुवाई में हजारों अनुयायी देश की स्वाधीनता के लिए तैयार हुए। किस सिंध में हमारे बलिदानी रहे हैं, उन्होंने कई तरीके के प्रश्न किए, क्योंकि इतिहास की बहुत सारी जानकारी सबको नहीं थी। जब उन्होंने ये सारे प्रश्न किए तो इन प्रश्नों के ऊपर बहुत सारी चीजों के उत्तर निकले। फिर बात ये निकल कर आई कि महाराजा दारसेन का जब स्मारक बना था उस समय भी समाज के कई बंधुओं को इकट्ठा किया था, कई इतिहासकारों को इकट्ठा किया था। उस समय भी ये प्रश्न चिंता कि महाराजा दारसेन कौन थे, कहाँ से महाराजा दारसेन निकल के आए, कौन सी जगह से निकल के आए। परंतु जब इतिहास के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ा, जब पुरानी पुस्तकें प्राप्त हुई, तो उन पुस्तकों के बाद, उन पुस्तकों के ज्ञान के बाद निश्चित रूप से लोगों को तो मालूम पड़ा कि महाराजा दारसेन कौन थे। और रूपला कोहली के बारे में भी जब हम बातचीत हुई, हमने संपर्क किया, हमारे एक बंधु हैं उनसे मेरी पुरानी मुलाकात कहीं हुई थी, तो उन्होंने आपके परिवार का दिया कि आपके परिवार के लोग अहमदाबाद में रहते हैं, तो आप उस समय भी उपस्थित हुए और आज भी हम लोगों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज उसका उनके परिवार की, क्योंकि इतिहास को जोड़ने से जुड़ता है, जब जुड़ जाते हैं तो सारी सब चीज़ें आती है। मैंने पिछले दिनों रंगा साहब से ऐसी बात की कि रंगा साहब आपको इस बारे में बोलना है, तो रंगा साहब भी बोले कि जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा यार कि किस फ्रीडम फाइटर के बारे में आपने और किस तरीके से ये सब चीज़ें की, मेरे को पढ़ने के बाद बातचीत हुई। डॉक्टर हाडा साहब से भी हम लोगों के बीच में जब ये स्थापना हो रही थी तो आपसे बातचीत हुई, तो उन्होंने भी निश्चित रूप से खुशी जाहिर की कि इस तरीके की हम एक स्मारक, एक अपने आप में सेपरेट स्मारक बनेगा। ये तो आज यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित है, परंतु आज बता दूं कि जिस तरीके का रूपला कोहली का खुद का व्यक्तित्व है, ऐसा एक पूरा स्मारक उनका बनना चाहिए। हमें ये भी कहीं ना कहीं परिकल्पना आज यहाँ से लेके जानी चाहिए। मनोज जी वैसे से प्रोफेसर साहब है, आपको मैं पढ़ता रहता हूँ तो सब चीज़ों को जब देखता हूँ, तो आपका भी है, यहाँ के जो हमारे रजौड़िया साहब हैं इनसे भी जब इस बारे में बातचीत हुई, तो सारे लोगों का मन में एक यही रहता है कि हम किस तरीके से रूपला कोहली के जीवन को अपने अंदर उतार सकते हैं और उनसे हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम इनकी श्रद्धा सुमन, इनकी श्रद्धांजलि मनाना, श्रद्धा जब इनकी जयंतियां मनाना या इनके बलिदान दिवस को मनाने का मूल मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं हमारे उन पूर्वजों को हम लोग किसी भी तरीके से याद करें जिन्होंने हमारी इन सीमाओं की रक्षा के लिए अपने पूरे प्राण आछावर कर दिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुगुटी तानी थी, दूर फिरंगी को करने को हमने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। तो इस तलवार को रूप देने के लिए स्वाधीनता संग्राम में इन सब का योगदान रहा है, उसी संदर्भ में रूपलो कोहली का जो व्यक्तित्व कृतित्व है उसके संदर्भ में आपको मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। 1843 से 1858 तक एक पूरा जो सिंध प्रदेश था उसके अधिकतर क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिशर का अधिकार हो गया था, परंतु ये सिंध का थार पार कर एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ उन्होंने अंग्रेजों ने अधिकार नहीं कर सके। कारण क्या, रूपलो कोहली के नेतृत्व में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के स्थानीय जो राजपूत थे, उन्होंने इनके नेतृत्व में 16 वर्षों तक सतत संघर्ष किया। आप सोचते कि 16 वर्षों तक यदि कोई सतत संघर्ष करता है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक भाग है,
जिस पर कभी भी अंग्रेज शासन नहीं कर सकते। रूपलो कोहली के शहीद होने के बाद ही वह कहीं नहीं कि उसमें अपने उनके उन्होंने प्रयास किया। 2012 में मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आया और मैंने देखा तो वो देश जो इस्लामिक देश था वहाँ की नेशनल पार्टी, वहाँ की मतलब यादगार कमेटी, वहाँ की मतलब इंडी वैली को मतलब जो लोग करते थे वो बरसियाँ मला रही थी रूपलो कोहली की, और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, शायद मैं अपने तरीके से सोचता हूँ कि सिंध धरती का एक अपना रोमांस है, कोहली कम्युनिटी का, राजपूतों का या राजपूतों से मिलता जुलता एक अलग उनकी पहचान है, उनकी सिविलाइजेशन है, उनकी तौर तरीके हैं, उनकी इतनी खूबसूरती है कि वो जो समाज में बैठा है वही लोग उस चीज़ को समझ सकता है, और वही इस चीज़ को इतनी बड़ी कुर्बानी। मैं तो कहता हूँ सिंधी लोगों को, सिंधी चाहे हिंदू हो, सिंधी चाहे मुसलमान हो, क्योंकि हम बेसिकली सनातन तहजीब से, सनातन कल्चर से, या हम इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो जो पाप किए, जो अंग्रेजी में एक होता है रीजन और रिवोल्ट, जो रीजन होता है ना उसका रिवोल्ट भी होता है, उनको सजाएं भी मिलती हैं और उनको हिस्ट्री कभी माफ़ नहीं करती है।